नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि पर अजमाए सिंदूर के ये अचूक उपाय, धन लाभ के साथ जीवन की सभी परेशानियां होंगी दूर। दोस्तों, नवरात्रि पर माँ दुर्गा को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती है, लेकिन अगर उसमें सिंदूर ना हो तो वह श्रृंगार अधूरा ही माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि आप नवरात्रि पर सिंदूर के कुछ उपाय को आजमाते हैं तो आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पर सिंदूर के अचूक उपाय। यदि आप कर्ज से अत्यधिक परेशान हैं तो आप नवरात्रि के एक दिन एक पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर का पेस्ट बनाकर पीपल के चिकने हिस्से पर श्री राम का नाम लिखिए और नवरात्रि के मंगलवार को यह पत्ता हनुमान जी के हाथों में रख दें। इसके बाद यह उपाय लगातार आपको हर मंगलवार तक करना है। ऐसा करने से आपका कर्ज जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में अत्यधिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन एक पान का पत्ता लें और उसके बाद सिंदूर और चमेली के तेल को घोलकर उस सिंदूर पान के पत्ते की चिकनी सतह पर रीम लिखें और यह पान का पत्ता माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। यदि आपकी ग्रह दशा अत्यधिक खराब चल रही है तो नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लगवाना चाहिए। यह काम पुजारी या फिर कोई पुरुष से करवाएं, और अगर महिला ही करना चाहती है तो वो भगवान के श्री चरणों यानी कि हनुमान जी के श्री चरणों पर सिंदूर और तेल डाल सकती है। ऐसा करने से आपकी ग्रह दशा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके सभी काम आपके भाग्य की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं तो आप नवरात्रि पर माँ भगवती की पूजा करते समय उन्हें रोली के बजाय सिंदूर से तिलक करें और उनसे अपनी समस्याओं को जल्दी से जल्द ठीक करने के लिए प्रार्थना करें। और वो सिंदूर जो माँ को आपने सिंदूर लगाया है, लगाने के बाद उसका टीका अपने माथे और सिंदूर की जगह भी लगाएं और चूड़ी की जगह लगाएं। इससे माँ की कृपा आप पर असीम कृपा बरसेगी। यदि आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है तो एक पान का पत्ता लें और थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को नवरात्रि के बुधवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। ऐसा करने से आपको जल्दी ही मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप अपने अंदर पराक्रम की कमी महसूस करते हैं या फिर आप लोगों से डरते हैं तो आप नवरात्रि के दिन माँ को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके अंदर का डर समाप्त होगा। ऐसा इतना ही नहीं, आपके शत्रु भी परास्त होंगे, शत्रु बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप अपने शत्रुओं पर हावी भी रहेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो फिर आप हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं तो नवरात्रि के दिन एकाक्षी नारियल में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर माँ भगवती दुर्गा को अर्पित करें। 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। फिर जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ पर उस नारियल को रख दें। इसके बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वह आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर करे। इससे आपकी आर्थिक बाधा दूर होगी। अगर आप जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा को नवरात्रि में पूरा श्रृंगार अर्पित करें जिसमें सिंदूर अवश्य हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके जीवन की सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपको शादी के बाद भी संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है तो नवरात्रि पर माँ दुर्गा के मंदिर में लगातार 9 दिन जाकर सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।